आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के पिनों की पहचान करने का एक ऐसा तरीका बताएंगे कि एक बार कंप्रेसर को देख लेते हैं तो आप उसके पिनों की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे हमारे पास एक कंप्रेसर है, कंपनी ने इसके अंदर से कनेक्शन के रूप में 3 पिन बाहर निकाल दिया है और जब किसी कंप्रेसर में आप कनेक्शन करते हैं तो इनके पिनों की पहचान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप इनके पिनों की पहचान नहीं जानते तो कनेक्शन आप गलत कर देते हैं जिससे आपका कंप्रेसर जल जाता है। क्योंकि किसी भी कंप्रेसर के रनिंग कॉइल और उसके कॉमन को हम सप्लाई देते हैं तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि कंप्रेसर के अंदर से कंपनी 3 पिन कैसे कनेक्शन करके बाहर निकालती है। इसके लिए मैंने यहां पर कंप्रेसर एक पहले से काट लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहां आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इसके अंदर जो मोटर बनाया है लगाया है, इस मोटर में 2 बाइंडिंग, इसकी जो बाहर की है ये रनिंग बाइंडिंग है और इसके अंदर 2 बाइंडिंग है, इसको हम स्टार्ट बाइंडिंग कहते हैं। तो इसका कनेक्शन करके कंपनी कैसे उन 3 पिनों को बाहर निकालती है, आइए आपको एक डायग्राम के माध्यम से यहां समझाते हैं। तो यहां आप देखेंगे हमने रनिंग कॉइल बना दिया है और स्टार्टिंग कॉइल बना दिया है, तो मोटर के अंदर ये अलग अलग दोनों कॉइल होती है। तो कंपनी करती क्या है, एक कॉइल रनिंग का और एक कॉइल स्टार्टिंग का, इनका एक एक सिरा जब आपस में ऐसे जोड़ देती है तो ये बन जाता है कंप्रेसर में जो कॉमन पिन होता है, ये कॉमन बन जाता है उसका, और शेष बची पिन को हम रनिंग और स्टार्टिंग पिन के नाम से जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंप्रेसर में कुल 3 पिनें कंपनी बाहर निकाल देती है। तो चलिए आपको एक सिद्धांत बताते हैं किसी कंप्रेसर में रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन पिनों की पहचान कैसे करना होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कंप्रेसर में जहां आप रिले ओएलपी लगाते हैं उन पिनों को आप अपने सामने कर लीजिए और यहां आप देखेंगे कि इन 3 पिनों में सबसे अलग पिन कौन है। तो सबसे अलग पिन आप जब इसमें देखेंगे ध्यान से तो ये आप देखेंगे ये पिन सबसे अलग है। तो ये जो सबसे अलग पिन होती है इसको कॉमन कहते हैं। अब आपके सामने आपके राइट साइड में जो पिन आए वो कंप्रेसर के अंदर का रनिंग पिन कहलाएगा और आपके सामने आपके लेफ्ट साइड में जो पिन आए वो कंप्रेसर का स्टार्ट पिन कहलाएगा। अब यही कंप्रेसर हमने एक दूसरे मॉडल का यहां बगल में रखा हूं, तो यहां आप देख सकते हैं इस कंप्रेसर में सबसे अलग पिन कौन है। तो यहां देखेंगे सबसे अलग पिन ये है। तो ये जब सबसे अलग पिन हो गया तो आपके राइट साइड में ये पिन आ रही होगी, तो ये इसका रनिंग पिन हो गया, और आपके लेफ्ट साइड में ये पिन आ रही होगी तो ये कंप्रेसर का स्टार्टिंग पिन हो गया। और यहां पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं, किसी भी कंप्रेसर में जो इसका कॉमन होता है कॉमन पिन, रनिंग स्टार्टिंग पिन के कभी ये ऊपर हो जाता है और कभी कभी यहां दूसरे में देखेंगे रनिंग और स्टार्टिंग पिन के नीचे हो जाता है। तो कॉमन स्थान अपना बदल सकता है लेकिन किसी भी कंप्रेसर में उसकी जो रनिंग पिन होती है ये हमेशा आपके राइट साइड में रनिंग पिन और आपके बाएं साइड में स्टार्टिंग पिन होता है। तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी कंप्रेसर में उसके रनिंग और स्टार्टिंग पिनों की पहचान आ गया होगा। थैंक यू।